अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन मुआलिज चंद अलामत से ही असल बीमारी का अंदाज़ा लगा लेता है और फिर इस अंदाजे की बुनियाद पर इलाज की शुरुआत या फिर पहले टेस्ट करवा कर बीमारी की तस्दीक करता है। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों से जाहिर होने वाली अलामत कई बीमारियों की जानिब इशारा करती हैं। ताहम हम यहाँ इन बीमारियों का जिक्र करते हैं जिनकी जानिब आपके हाथ इशारा करते हैं। अगर आपके हाथों से भी मंदरजा ज़ेल अलामत में से कोई अलामत वाज़े हो रही है तो आपको फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि बरवक्त इलाज शुरू किया जा सके। शेकी हैंड्स रिवेल पार्किंसंस डिसीज। आमतौर पर हाथों का कांपना इस बात की जानिब इशारा होता है कि आपको ऐसी अशिया का इस्तेमाल कम करना चाहिए जिनमें कैफीन पाई जाती हो, जैसे कि कॉफी। इसके अलावा सांस की दवा के मुज़र असरात की सूरत में भी बाज़ुकात हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन अगर एक हाथ कांपता है तो ये पार्किंसन की बीमारी लाहक होने का सबसे पहला इशारा है। आपको फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और उसे उस बारे में आगाह करना चाहिए। नेल कलर रिवेल्स किडनी डिसीज। भारतीय मुहक्कीकीन ने 100 से ज़ायद गुर्दों के मरीजों पर एक तहकीक की। मुहक्कीकीन ने 36% मरीजों के नाखूनों को 2 रंगों में तकसीम पाया। इन मरीजों के नाखूनों की सतह का रंग सफ़ेद था जबकि ऊपर वाला हिस्सा भूरे रंग का हामिल था। मुहक्कीकीन के मुताबिक मुमकिन तौर पर नाखूनों की ये हालत खून की कमी और गुर्दों की बीमारी के बाइस थी। ग्रिप स्ट्रेंथ रिवेल्स हार्ट हेल्थ लैंसेट की तहकीक के मुताबिक हाथों की कमजोर गिरफ्त हार्ट अटैक और फालज का शिकार बनने के बहुत ज्यादा खतरात की जानिब इशारा करती है और इससे बचना भी मुश्किल होता है। ये तहकीक 17 ममालिक के तकरीबन 1,40,000 बालिग अफराद पर की गई थी। मुहक्कीकीन के मुताबिक हाथों की गिरफ्त की ताकत तमाम पट्ठों की ताकत और सेहत के बारे में निशानदेही करती है। स्वेटी पाम्स रिवेल हाइपर हाइड्रोसिस। हाथों में चिपचिपापन और बहुत ज्यादा पसीना आना थायराइड की खराबी की जानिबी इशारा हो सकता है। इसमें पसीना पैदा करने वाले हदूद गैर जरूरी तौर पर इजाफी फाल हो जाते हैं। ज्यादातर अफराद को जिस्म के एक या दो हिस्सों में पसीने आते हैं, जैसे कि हाथों, बगलों या अपने पैरों पर। अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि इजाफी पसीने की पैदावार को रोका भी जा सके और इसकी असल वजह भी मालूम की जा सके।